रामचरित्र मानस पर गलत टिप्पणी करने पर हिंदू संगठनों ने भारी रोष व्यक्त किया है। हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है। सिकरा में राष्ट्रभक्त संगठन में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाल कर विरोध प्रकट कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एलाइट चौराहे पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाल कर पुतला फूंक दिया। इस दौरान अंचल ने कहा, समाजवादी पार्टी तत्काल ऐसे जन भावनाओं को भड़काने वाले और रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित करे और प्रशासन इस पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करे। मौर्य जी के द्वारा रामचरितमानस के विषय में जो गलत टिप्पणी की गई है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को जो है बैन कर देना चाहिए, यह ग्रंथ ठीक नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य उलझलूल बयान इसलिए दे रहे हैं कि एक तो उनकी वैल्यू खत्म हो गई है राजनीति में, हाशिए पर आ गए हैं, और ऐसा बयान दे करके हम तो ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को इनको तुरंत पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो इस देश के विरोधी हैं, जो रामचरितमानस के विरोधी हैं, जो रामचरितमानस घर घर के अंदर पढ़ा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, उस रामचरितमानस के विषय में ऐसी टिप्पणी करना, जिन प्रभु राम ने सबरी के बेर खाए, जो भील थी, भील कोलों के जो अनुसूचित जाति की थी, ऐसे प्रभु जिन्होंने निषाद राज को जो पिछड़ी जाति के थे उनको राजा के रूप में सम्मान दिया, वानर जाति को सम्मान दिया, समस्त जातियों को सम्मान देकर के जो प्रभु श्री राम चले, और जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, उनके विषय में प्रश्न चिन्ह लगाने से हम सभी जो हिंदू जनमानस है उनकी भावनाओं को हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ठेस पहुंची है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला है। कल हमने इनके खिलाफ एफआईआर की मांग भी की थी और एफआईआर की कॉपी दी है, और इनको अरेस्ट करके इनको जेल के अंदर सड़ाने का काम करें, जिससे कि ऐसे नेता आगे से इस प्रकार के बयान सनातन संस्कृति के खिलाफ में ना दे पाएं, क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी संस्कृति से आते हैं, उसी संस्कृति से अन्य बहुत सारे नेता भी आते हैं, तो ऐसे बड़े बोले नेताओं के ऊपर लगाम लगाने का काम करें। झांसी से गोलू महाराज के साथ धीरज शिवहरे की रिपोर्ट।